अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद फैमिली में आपको वेलकम। आज हम बहुत मज़ेदार बना रहे हैं कैरी का अचार यानी लौंजी। तो ये होती है हाथ के हाथ डालो और हाथ के हाथ यानी खा लो, यानी इसको धूप में नहीं रखना है वो नहीं है, मगर इसको फ्रीज में रखना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाती है। बहुत मज़े की बनती है, इसको खिचड़ी के साथ, फरेरी खिचड़ी बनाओ, पतली खिचड़ी बनाओ, पराठे के साथ खाओ, दाल के साथ खाओ, दाल चावल के साथ, बहुत मज़े का बनता है ये। और हमारे यहाँ जो है ना, ये वैसा अचार भी डलता है और ये वाला भी डलता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेंगे एक पतीली ले लेंगे, ये रहा ये ले ली, और इसके अंदर ये देखें, ये कैरी मैंने काट ली थी, ये 1 किलो मैंने कैरियाँ ली थी और इनको इस तरह काटा है जैसे अचार की डलती है। आप जैसे चाहे लंबाई में काट लें, कि जिस तरह आपको इससे छोटी करना है इससे छोटी कर लें, बड़ी करना है बड़ी कर लें, आपके ऊपर है, जैसा दिल चाहे आपका, आप जो है ना करके इसको करते हैं। अब ये मैंने अच्छी खन तरह से इसको धो लिया और छील के काट ली, मैंने ये साइज़ रखा है, तो ये जो है ना अब ये अचार की तरह ही काटी है मैंने। अब इसको इसमें बॉल में डाल देंगे, और बॉल में डाल के तो आप इसके अंदर 2 गिलास पानी डालिएगा और इसको एक जोश आएगा ना, बस हम इसको उतार लेंगे, वो इसलिए एक जोश के बाद उतारेंगे। ये क्या कहते हैं, इसका जो ना बहुत खट्टापन होता है, ज़रा खट्टापन कम आ जा हो जाएगा, यानी ज़्यादा खट्टा भी नहीं रखना हमें, बस ये इतना हो जाएगा। और बस एक बॉयल आएगा ना तो हम इसको उतार लेंगे और उसको पानी को छान के फिर हम इसको बनाने शुरू करेंगे। तो ये तो जब तक ये बॉयल हो रही है, तो आप ऐसा कीजिए, जाके मेरे चैनल पर जाएँ और मेरे क्या कहते हैं लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और बताएं कि आपकी ये रेसिपियाँ कैसे बन रही हैं जो मैं बता रही हूँ। तो आजकल तो मैं ज़्यादातर कैरी की रेसिपियाँ दे रही हूँ, आज मैंने लौंजी दी है, इससे पहले मैंने कैरी का शरबत दिया था। तो चलें फिर, जब तक ये बॉयल आता है तो आप जाके मेरे फटाफट उसको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। देखो घर तक पक रही है, बस अभी इसको चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको छान लेंगे। पतीली कितनी भैयात लग रही है, क्या करें, करो स्टार्ट। ये देखें, ये इसको छान लिया, ये हल्की उसी में ये ज़रा गल भी गई, थोड़ी सी गल गई और इसका खट्टा पानी थोड़ा सा निकाल दिया। अभी इसमें खटास है, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसमें खटास ना। अब इसके अंदर हमने क्या करा है, ये देखें, ये ऑयल है, ये हमने सरसों का तेल लिया, सरसों का तेल ही में बनेगा ये लौंजी, सरसों के ही तेल में बनेगी ये। वैसा तेल ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेंगे आप, पकवान तेल या वैसा कोई भी तेल ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल होगा। इसको हमने गरम कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको बता दूँ। ये देखें, ये मैंने अलग लिया है मेथी दाना, थोड़ा सा ले लेंगे, बिल्कुल क्वार्टर टीस्पून, बस ज़्यादा नहीं डालेगा नहीं तो कड़वा हो जाएगा। अब ये देखें, अब ये हमने लिया है आधी टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून राई, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून है ये नीचे भी है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून कलौंजी, लहसुन अदरक लेंगे 1 टेबलस्पून भर के, अच्छा कुटी हुई मिर्चें जो हैं कि आप हसबे ज़रूरत डाल सकते हैं, तेज़ या बढ़ती कम कर सकते हैं, नमक भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक आप अपने डाल सकते हैं, कम करें, कम खाते हैं तो कम डाल दें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें। तो चलें फिर शुरू करते हैं, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये मेथी दाने डाल के चूल्हा हल्का कर देंगे ज़रा सा बिल्कुल, और ये मसाले डाल देंगे, ये मसाले सारे डाल देंगे जल्दी से डाल के, और इसकी भुनाई करेंगे पानी डाल के, जले नहीं। ये देखिए इसकी बुनाई होगी, बुन गया खूब अच्छी तरह, खूब अच्छा सा बुनेगा, उसकी मज़ेदार
बाकी तो सिर्फ मसाला ही भून रहा है, तो इसके अंदर बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है अचार की, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है अचार की। तो ये भून जाए, फिर हम इसके अंदर केरी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे। तो इसमें ज़रा सी जो कसर है ना केरियों में, देखें ज़रा सी कसर है इसके अंदर, तो ये उसी में जो पानी डाल के रखते हैं तब तो उसमें हो जाएगी। और इसके अंदर आप है ना अचार की जो मिर्ची होती है जो होती है वो डालिएगा। ये देखें ये मैंने ली है अचार की मिर्ची, ये अचार वाली जो मिर्ची होती है ये आप डाल दीजिएगा और मज़ेदार हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी मैंने के डाल दी इसके अंदर अचार की मिर्ची, देखें हरी मिर्ची भी डाल दी और वो केरियाँ जो बॉइल करके रखी थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, वो अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम ज़रा सा पानी डाल के इसको हम दम पे रख देंगे। चाहे तो आप इसके अंदर पिसी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, और अगर डालना चाहे, मैंने कुटी भी डाली है थोड़ी सी, पिसी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये देखें ये मिला दिया अच्छी तरह से, अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम दम पे रख देंगे, इसी में ये हो जाएगा और बस। फिर इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, बस ये तैयार हो जाएगी फिर ये। ये देखें मैंने इसको हल्के पे बिल्कुल सिलू पे रख दूँगी इसको, इसी में गल जाएगी। और इसमें क्या कहते हैं इसको हम दम पे रखेंगे, कितना रखेंगे बस क्वार्टर टी स्पून, वो क्वार्टर कप पानी का रखेंगे, बस ज़्यादा नहीं रखेंगे। देखिए ये तैयार हो गया है और ये मैंने इसको सर्व करा है, ये बहुत मज़ेदार बना रही है। और अगर आप चाहें तो इसको जो है ना क्या कहते हैं बगैर उसके उबाले भी बना सकते हैं, ज़्यादा खट्टा चाहिए तो, यानी इसका एक पानी ना निकालें। और मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक पिसा हुआ डाला है क्योंकि उस टाइम मेरे पास था नहीं, तो ये मैंने ना आप जो है ना वैसा कूट के भी डाल सकते हैं लहसुन और अदरक को, क्या कहते हैं चॉप करके बारीक बारीक भी डाल सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बहुत लजीज बनता है, ये ऐसा अचार है कि आपका अचार खाने का दिल चाह रहा है। हम अचार डालते हैं तो 15 से 20 दिन लग जाते हैं उनको उसको तैयार होने में, तो अगर आपका दिल चाह रहा हो कि बस इसी वक्त अचार खाएं तो ये ऐसा है कि अर्जेंट फटाफट आप जो है ना 10 मिनट में बना लें कैरी से, तो ये बिल्कुल वही मज़ा देगा ये वो अचार है। इसको मगर इसको फ्रिज में रखेंगे आप, बहुत अच्छा है ये, आराम से 15 दिन आराम से फ्रिज में चल जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा बना लें। और वो अचार है तो वो क्या कहते हैं 15-20 दिन लग जाते हैं तैयार होने, तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह आप बनाइएगा, आपको पसंद आएगा और इसी रेसिपी को फॉलो करिएगा। तो चलें फिर दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।